हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? के हाल चाल सब बढ़िया समोच। इस वीडियो में हम सीखेंगे काफ़ी ही प्यारा और सुपरहिट गाना जीता था जिसके लिए। देखेंगे कि किस प्रकार से आप इस पूरे गाने को अपने मोबाइल पियानो, अपने हारमोनियम, अपने केशियो कीबोर्ड, यामाहा, अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बजा सकते हो और सीख सकते हो इसके म्यूजिक पार्ट के सहित। तो सबसे मेन बात, अगर आपको इस गाने के नोटेशन चाहिए, पियानो नोटेशंस, तो आप नॉर्मली मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, द कमलेश मैजिकल कीस ऑफ पियानो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करके द कमलेश तो भी आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के बाद में, ठीक है। तो ये है कुछ एप्लीकेशन का ओवरले जिसमें सभी पियानो के रिलेटेड आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। जीता था जिसके लिए गाने के बारे में बताऊँ, नॉर्मली आप स्टडी मटेरियल के ऊपर आपको जाना है, अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो जीता था जिसके लिए पियानो नोटेशन, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हैं। और इस प्रकार से आप नॉर्मली अपनी फाइल को डाउनलोड करके पियानो नोटेशंस को एंजॉय कर सकते हो, इस गाने को बजाना सीख सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे गानों के पियानो नोट्स हैं, कई सारे वीडियोस हैं, और मेन चीज़ यहाँ पे मैंने अपना कोर्स अपलोड कर रखा है, द मैजिकल कीज पियानो कोर्स, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर वाइज लेसन, ठीक है, जिसमें कई सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बेसिक टू एडवांस बहुत सारी चीज़ें। इसलिए आप जाइए, देर ना करिए, और कई सारे अभी डिस्काउंट्स ऑफर भी चल रहे हैं, इसलिए आप जाइए अभी के अभी मेरे कोर्स में एनरोल होइए और कीबोर्ड सीखिए मेरे एप्लीकेशन के थ्रू घर बैठे बैठे आसानी से, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसलिए अगर आप डाउनलोड करेंगे तभी आपको पता चलेगी, और थोड़ी बहुत मेहनत भी हुई है, इसलिए थोड़ी सी भी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू निकले तो जाके एक डाउनलोड कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। शुरू करते हैं अभी अपना जो कीबोर्ड के ऊपर हमारा गाना है उसका सबसे पहले म्यूज़िक पार्ट है वो हम देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो म्यूज़िक पार्ट में जो सबसे पहले एकदम इंट्रो म्यूज़िक है वो किस तरह मैं एक बार आपको प्ले करके बता देता हूँ, देन हम इसका देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। फिर हमारे गाने की शुरुआत, जीता था जिसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो म्यूजिक पार्ट अगर आपको सीखना है तो बने रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप म्यूजिक पार्ट देख लेते हैं। इसके नोटेशन सेम नोटेशन जो मैं यहाँ पे बजाऊंगा उससे तो एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी ऐड कर सकता हूँ आपको आसान बनाने के लिए, थोड़ा इजी वे में भी समझा सकता हूँ, वहाँ पे जो रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूजिक पार्ट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, देन हम बढ़ते हैं सॉन्ग के ऊपर। सॉन्ग में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन इसका जो म्यूजिक है वही इसका बहुत कैची म्यूजिक है, इसलिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मैं भी सभी को पसंद भी है, ठीक है। तो किस तरीके से, सबसे पहले जो शुरुआत का इंट्रो म्यूजिक है वो किस तरह, ओरिजिनल गाने में तो ये दो दो बार ही है, मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2, बट मैंने एक वो रिदम के लिए मैंने ऐसे ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप जैसे भी आपको जितना जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से आप बजा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार नॉर्मली जो अपनी एफ शार्प की है उसको, और फिर बाद में मैं हर पैटर्न में एफ शार्प को तो बजा ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं एक बार सी शार्प बजा रहा हूँ, एक बार डी शार्प बजा रहा हूँ, और एक बार अपना ए नोट बजा रहा हूँ। किस तरह, अगर आप ये नहीं बजा पा रहे हो तो आप नॉर्मली ऐसे भी बजा सकते हो, या फिर एकदम सिंपल जैसा ओरिजिनल गाने में है, और एक हाथ से बजाएंगे तो रिपीट, ठीक है। फिर हमारे गाने की शुरुआत होगी, ठीक है, जिसमें जो कुमार सानू जी द्वारा एक छोटा सा आलाप है किस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर लास्ट में बेहतरीन, इसके बाद में एक छोटा सा म्यूजिक और, वो किस तरह, ठीक है, किस तरह, फिर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें यहां पे लोअर ऑक्टेव के डी शार्प से शुरू करना है,
फिर से इस वाले पार्ट को एक बार स्लो में, फिर से, फिर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अरे फोकस ही नहीं था, सॉरी। इसके बाद में किस तरह, ये वाला पार्ट है ना, इसको आप इस तरीके से भी बजा सकते हो, और मैंने वहां पे जो नोटेशन लिखे हैं उसमें मैंने इस तरीके से लिखे हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, इन 6 नोट के ऊपर ये जो म्यूजिक पार्ट है वो बज रहा है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से जो शुरुआत का जो म्यूजिक पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे अगर आप एक बार स्किप करना चाहें, अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप गाने के ऊपर डायरेक्ट सीख सकते हो, और फिर इसकी स्पीड आप कम करके इसको बजा सकते हो, क्योंकि एक बार आपको कैच करने में, एक बार आपको पकड़ करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सभी में होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर बाद में आप नोटेशन को धीरे धीरे अलग अलग स्लो में बजा बजा के देन थोड़ी थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाइए, और फिर आप म्यूजिक को सीखिए। गाना आपके लिए एक बार शुरुआत में ईजी रहेगा। अगर लेकिन अगर आपको शौक है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, पहले म्यूजिक सीखिए, देन बाद में अपना जो गाना की, अपने जो सॉन्ग की मेलोडी, अपने जो गाने की मेलोडी है उसको तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम, जो गाने की अपनी पहली लाइन है वो किस तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नोटेशन किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ऐसा ना हो आपको ऐसा ना लगे कि वहाँ पे गलत है, वहाँ पे चीज़ है क्या। जैसे समझ लीजिए ये भी सी शार्प डी शार्प है और ये भी सी शार्प डी शार्प है। इस गाने की जो पहली लाइन है मैं आपको एक बार प्ले करके बताता हूँ, देन समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे लाइक इस गाने इस हाई ऑक्टेव को भी सी शार्प और डी शार्प यूज हुआ, और इस लोअर ऑक्टेव को भी सी शार्प और डी शार्प यूज हुआ। तो वहाँ पे मैंने कुछ जो नोटेशन लिखे हैं उसमें कुछ उस तरीके से लिखे हैं, जिसमें मैंने सी शार्प डी शार्प भी वहीं पे लिखे हैं, और इस वाले पार्ट में भी सी शार्प डी शार्प लिखा है। इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस जगह पे ये वाले सी शार्प डी शार्प है, ये वाले सी शार्प डी शार्प है। तो ये चीज़ें आपको गाने को सुन के पता चलेगी, आपको पता चलना चाहिए कि गाना अभी ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। मैं माइनस प्लस लिख सकता था, बट मे बी आपके लिए फिर बाद में आदत ना बन जाए, इसलिए ये एफर्ट आप अपने हिसाब से लगाने की कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्ट गाने को सुने और पहचाने कि अभी गाना ऊपर जा रहा है, मतलब हाई ऑक्टेव के सी शार्प डी शार्प वहाँ पे यूज हो रहे होंगे, उस हिसाब से वहां पे लिखे होंगे। और अगर गाना नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि लोअर ऑक्टेव के अपने सी शार्प और डी शार्प यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है गाने की पहली लाइन, देखते हैं। बेहतरीन, फिर से ये पहली लाइन, फिर दूसरी, ठीक है। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, साथ साथ में आप गुनगुनाते रहिए जैसा भी। अभी मैं तो बहुत ही अलग साउंड आ रहा है मतलब, लेकिन एक मेरे को पता चल रहा है कि गाने को किस वे में आगे लेके जाना है, भले आवाज़ इधर उधर हो लेकिन आप साथ साथ में गाते रहते तो आपको एक आइडिया आता रहता है कि मैं कहाँ तक सही जा रहा हूँ, मैं कहाँ तक गलत जा रहा हूँ, और मुझे अभी मतलब मेरी रिदम है, मेरी जो टाइमिंग है वो वहाँ पे ब्रेक हो रही है, ठीक है। फिर से, फिर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, ठीक है। एक ऐसी लड़की थी, ठीक है, एक ऐसी लड़की थी, फिर इसके बाद में, जिसे मैं प्यार करता था, ठीक है। स्लो में देखते हैं, फिर ला,
प्रकार से जो हमारा शुरुआत का पार्ट है दोस्तों, मुखड़ा पार्ट, वो कंप्लीट होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ी इसकी स्पीड ज़्यादा लग रही तो आप प्लेबैक स्पीड कम करके देख सकते हो, और मेरी मानो तो साइड साइड में गाने को भी प्ले करते रहो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर प्लस वन करेंगे मतलब एक की ऊपर, तो जो आप ओरिजिनल स्केल के ऊपर आ जाओगे, इसलिए वो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। साथ साथ में गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, जिससे आपको एक आइडिया आए कि कौन से नोट के ऊपर कौन से वर्ड आ रहे हैं, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, एक म्यूज़िक पार्ट है इसके बाद में, जो मे बी हम इस तरीके से बजाए तो थोड़ा मिलता जुलता हमें लगेगा। ठीक, सहनाई के ऊपर है। ओके, तो ये म्यूजिक पार्ट इसके बाद में किस तरह है? फिर से और इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा और है, लेकिन फिर तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप इन्हीं जिन की के ऊपर आप सॉन्ग को प्ले करें, उन्हीं की के ऊपर आप इसका म्यूजिक पार्ट को भी सीख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा गाने का म्यूजिक पार्ट है छोटा सा वो कंप्लीट होता है। सहनाई के ऊपर आप बजा सकते हो, पियानो के ऊपर भी बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगा कि इस पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा ये मुखड़ा पार्ट, फिर बाद में हमारा जो म्यूजिक पार्ट है कंप्लीट। अभी एक छोटा सा अंतरा पार्ट है दोस्तों, वो भी सीख लेते हैं छोटा सा। ये किस प्रकार से जो बाकी के सभी अंतरे हैं, मेल वॉइस में, फीमेल वॉइस में, सभी इसी प्रकार से प्ले होंगे और सभी इसी पैटर्न से प्ले होंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से जो गाने की पहली लाइन है, मतलब जो अंतरे की पहली लाइन, सिर्फ चार ही लाइन सब आपको जैसे पता है सेम होती है, बाकी तो सभी बाद में उसी मुखड़े के पैटर्न में चलते रहते हैं। ठीक है, तो किस तरह? इतना सा पार्ट पहले सीखते हैं छोटा सा। ये किस तरह? फिर कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं तुझे। ठीक है, तो आप एक एक पार्ट, जैसे मैं यहाँ पे अंगुलियां दिखा रहा हूं, मतलब मैं यहाँ पे इनके एक अलग अलग एक पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ, जिनको आप एक एक करके सीख सकते हो, देन इनको सबको साथ में मिला के प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो फिर लास्ट लाइन इसकी किस तरह? ठीक है, ला 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 फिर इसके बाद में हमारे जो गाने की पहली शुरुआत की लाइन है, एक ऐसी लड़की थी। तो इस प्रकार से जो हमारा कंप्लीट सॉन्ग है वो कंप्लीट होता है, और मे बी ओहो काफ़ी हमारा 10-12 मिनट का मैंने वीडियो खींच लिया, माफ़ी चाहूँगा। तो इस प्रकार से जो हमारे कंप्लीट सॉन्ग है वो कंप्लीट होता है, और अगर आपने यहाँ तक सुन रहे हो तो ये एक बात तो जरूर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको जरूर इस गाना से बहुत ही मतलब लगाव है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत अगर बधाई है अगर आपने इस गाने को सीख लिया। नहीं तो प्रैक्टिस करिए गाने, इस वीडियो को आगे पीछे करिए, नोटेशन को देखिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और फिर मौज करिए इस प्यारे से सुरीले से सुपरहिट गाने के साथ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने जो भी कमेंट्स हैं, अपने जो भी रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिनों में हम इच्छा कर देंगे आपकी। चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से, टिल देन बाय बाय, जय माता दी, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, शुक्रिया, बाय।